यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्सेल हम ओपन कर रहे हैं फिर से। हाँ, तो इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ये एक्सेल 2021 है, अगर 2007 इस्तेमाल करते हो तो 2007 भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम 2007 पे ही सिखा रहे हैं क्योंकि सबसे कॉमन 2007 है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जैसे सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा बोलो? एक पहला होता है मिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तीन तरह का सेल एड्रेस होता है एक्सेल में, ठीक है। ये सेल एड्रेस याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर आपको एक्सेल सीखना है तो सेल एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन समझना है, उस फंक्शन का नाम है लेन। बहुत सारे फंक्शंस हैं एक्सेल में, इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो दिख रहा है इसको नेम बॉक्स कहते हैं। इसका फायदा जो है, इसका फायदा ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक रेंज है, जैसे मान लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये रेंज देख रहे हैं, इसको मैं एक येलो कलर दे देता हूं और यहां से पूरा बॉर्डर लगा देता हूं। बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+HBA। तो ये जो रेंज है ना, इसको मैं एक नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? यहां पर आप जाइएगा डेटा टैब, ये डेटा टैब है और ये फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज में जाइएगा और यहां पे क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन दिया है, यहां पे जाना है डिफाइन नेम। तो इस इतने जगह को देखिएगा, ये जो एरिया है, इतने एरिया को एक नाम देना चाहते हैं हम, ठीक है। क्या नाम देना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आप ही का नाम दे देते हैं, प्रियांशु, ठीक है। प्रियांशु लिख देना, तो यहां लिख दिए प्रियांशु और प्रियांशु लिख के एंटर कर दिए। तो इतने एरिया को किस नाम से जाना जाएगा? प्रियांशु के नाम से। अब आप फॉर्मूला या फंक्शन जो भी यूज करेंगे, इतने एरिया के लिए आप प्रियांशु नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम यूज कर सकते हैं? प्रियांशु। ये नेम रेंज का बड़ा अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। मैं यहां पर और भी जो है नंबर्स लेके आता हूं एक फंक्शन की मदद से, जो कि बड़ा ही पुराना फंक्शन है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसका कि नाम है रैंड बिटवीन। क्या नाम है? रैंड बिटवीन। अब इसको यहां से ड्रैग किया और यहां से खींच लाएंगे तो सब यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। देखिए सब जगह नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रैंडमली चेंज होते रहेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूं कि यहां से टेस्ट स्पेशल पे जाके और वैल्यूज जो है इसे बना दीजिएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आपको मान लीजिए एड करना है, ठीक है, इन सारे नंबर्स को एक साथ एड करना है, तो कौन सा फंक्शन? सम फंक्शन यूज होगा। तो यहां सम लिख दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, और यहां पर आपको ये रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इस रेंज को आपने क्या नाम दिया था? प्रियांशु। तो आप यहां पे प्रियांशु टाइप कीजिए। क्या टाइप करेंगे? प्रियांशु। देखिए इसमें जो फंक्शंस हैं उसमें प्रियांशु भी दिखाई दे रहा है ना, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। अब ये प्रियांशु को जोड़ेगा, अब इस पूरे रेंज का क्या नाम है? प्रियांशु नाम है, तो इस पूरे रेंज को ये जोड़ेगा। एंटर करेंगे तो देखिए सबको जोड़ रहा है, मतलब 6 54 प्लस 54 प्लस 45 प्लस 84, ये सबको लाइन से जोड़ रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए इक्वल टू लगा के इसको, फिर प्लस का निशान लगाइए, अब ये अलग अलग सेल एड्रेस आएगा। फिर इसको करिए, लाइन से करते जाइए, सबको ऐड करते जाइए, तो भी 627 ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया था, एक नाम दे दिया था, जैसे जो रेंज थी उसको क्या नाम दे दिया था? प्रियांशु नाम दे दिया था। और उस रेंज को प्रियांशु नाम देने से हम केवल जो है इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इसको ऐड भी कर पाएंगे, ये फायदा है, ठीक है। अब देखिए लाइन से मैं इसको जोड़ के दिखा दे रहा हूं कि आपका आंसर उतना ही आएगा, कितना? 627, ठीक है। तो बिल्कुल यही काम आपको करना है और इजिली सारी चीजें हो जाएंगी। ये B5 छूट गया, B5, ठीक है। प्लस का निशान लगाइए, सब एक 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 सेल जोड़ना है, एक भी सेल छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए एक सेल छूट गया है, कौन सा सेल छूटा है? देखिए यहां पर ये हो गया A1, A2, A3, A4, जो छूटेगा बताइएगा, A5, A6, A6 है, A7, फिर देखिए ये है B1, B1, B2 है, B2 कहाँ है इसमें दिखाइए तो, B2 है कहीं दिख रहा है इसमें? देखो B2 कहीं दिख रहा है? क्या कहें तुमको, जाने दो। अब B2 को सेलेक्ट करो और देखो 627 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यानी कि वही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है, आंसर आया है कि नहीं, क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो इसे कहते हैं नेम रेंज। क्या कहते हैं? अब मान लो कि इतने रेंज को कुछ अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं यहां से जाकर के, और एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसको भी मैं Alt+HBA कर देता हूं ताकि यहां पर बॉर्डर लग जाए। अब इसमें भी कुछ नंबर्स दे देते हैं, जैसे यहां पर इस बार हम क्या करते हैं, डेसिमल वाले नंबर देते हैं, दशमलव वाले। दशमलव वाले के लिए हम रैंड का यूज करेंगे, और हम चाहते हैं ना 3 के नीचे के दशमलव वाले सारे नंबर आ जाएं, ठीक है। तो यहां से एंटर कर दीजिए, ओके। अब 3 के जो भी नंबर आएंगे वो दशमलव में आएंगे और 3 के नीचे वाले ही आएंगे,
ऊपर नहीं आ सकता है, ये नीचे ही आएगा तीन के, देखो सब तीन के नीचे ही है, ठीक है, और यहां तक आ गए। अब देखो ये तो आ गया, अब इसको यहां से फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि इसको हम अस्थायी रूप से कर लें। अब इस रेंज को एक और नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जाकर के और वापिस से कहां जाएंगे, फॉर्मूलाज पे जाएंगे और इसको डिफाइन नेम पे जाएंगे, और इसको क्या नाम दे दें, विराट नाम दे देते हैं। विराट नाम है जी कि वंश दे दें, हाँ वंश दे देते हैं, घर का नाम ठीक रहेगा, वंश, ठीक है, और एंटर कर दो। तो ये एंटर हो गया, अब एंटर करने पे इसका तो नाम हो गया वंश। अब इक्वल टू करके जोड़ेंगे तो हम एक एक करके जोड़ेंगे, भाई ऐसे सम लगा दें तो क्या ये जोड़ेगा इसको पूरे को यहां पे। अब देखिए जैसे सेलेक्ट किया इतना तो क्या नाम आ गया, वंश अपने आप आ गया, एंटर कर दिया तो यहाँ पे टोटल आ गया इसका, देख रहे हैं नेम रेंज का फायदा है कि नहीं। तो ऐसे में जब आप कोई भी रेंज का नाम दे देंगे तो उसी के हिसाब से आप केवल उस नेम के हिसाब से आप फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अब जैसे यहां पर एक बार फिर से दिखाता हूं, जैसे ये D1 से लेकर और ये जो रेंज है इसको मैंने सेलेक्ट करा, और फिर वहीं कहां जाएंगे, फॉर्मूला स्टेप पर जैसे कि पहले आपने देखा, और यहां से डिफाइन नेम पे जाएंगे। तो यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, और डिफाइन भी करने से पहले मैं एक काम करता हूं, इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूं ताकि ये जो है डिफरेंट कलर में दिखेगा तो हमें पता चलेगा कि यही वो रेंज है, तो ये कलर दे देता हूं, ठीक है। और यहां पर जो है अल्ट एच बी ए कर लेता हूं ताकि बॉर्डर भी अप्लाई हो जाए, तो ये बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अब हमें सीधा फॉर्मूला स्टेप पे जाकर के डिफाइन नेम पे जाएंगे, और डिफाइन नेम पे जाकर के यहां पर इस रेंज को क्या नाम देना है वो नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एडिशन नाम दे देता हूं, एडिशन, तो आपको पता है एडिशन नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है एक्सेल के अंदर। अब ये तो एडिशन नाम दे दिया, अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर एक डिफरेंट तरीके से मैं रैंड बिटवीन लगाऊंगा, देखिएगा यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहां पे लिखता हूं रैंड बिटवीन, ठीक है, और ये लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे सबसे छोटा नंबर कॉमा देके सबसे बड़ा नंबर, बंद करेंगे ब्रैकेट को, और यहां पर आपको कंट्रोल के साथ एंटर करना है, सिर्फ एंटर नहीं कंट्रोल एंटर, और एक ही बार में सब में ये डेटा फिल हो गया। तो ये एक ट्रिक थी। अब यहां से जाकर के इसको कॉपी करके और यहां से पेस्ट से फसल करेंगे और यहां से वैल्यूज इसे बना लेंगे और ओके कर देंगे। अब ये ओके करने के बाद ये चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, और जब आप यहां पर सम का फंक्शन यूज करेंगे ना तो इसमें देखिए एडिशन काम करेगा। तो यहां पे ए डबल डी जैसे ही टाइप करेंगे देखिए ये एडिशन आ रहा है, और एडिशन का मतलब हो गया कि ये पूरी रेंज, ठीक है, यानी इस पूरे रेंज का एडिशन कर दीजिए। ये रेंज सेलेक्टेड हो गई, देखिए यहां पे हल्की हल्की सी ब्लू लाइन भी आपको दिख रही होगी। अब इसको बंद करेंगे एंटर करेंगे तो वही इन सबका टोटल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।